वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे, क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर। सबके नाम नहीं पड़े पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया। एक हिंदू हूँ इसीलिए यहाँ आया हूँ, मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता, ये बात सच है। और आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में, कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप JNU के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे JNU कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे। देश पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, और ये शर्मनाक है कि इंडिया के देश में 12th फेल टाइप पिक्चर हिट हो जाती है, जहाँ पे ज़िंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होता है कि आदमी पुलिस सर्विस में क्या करे, वहाँ पे हम सिर्फ उसका ही गुणगान गाते हैं कि अरे ये पुलिस बन चुके हैं। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं क्यों, कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो, कब रोकते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। देख लीजिए, आपको मैं अपने लाइफ से जो एग्जांपल्स दूंगा सिस्टम के, वही मेरी ज़िंदगी के एग्जांपल है। यहाँ पे आप जाइए कहाँ पे इंडिया में शो करने, गुजरात जाइए, एक बंदा लिख देगा फेसबुक पे ऑडिटोरियम जला दूंगा अगर तुम आए, ऑडिटोरियम वाला आपको फ़ोन करेगा बोलेगा नहीं आओ, उसके बाद पुलिस वाला आपको फ़ोन करेगा मत आओ, उस आदमी को कोई फ़ोन नहीं कर रहा। यही सेम चीज़ इंडिया के बाहर होती है, एक बार लिख देना ये इनके जो न्यूजर्सी में बैठे हैं ढोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं, तो वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखते ऑडिटोरियम जला देंगे, क्योंकि पुलिस उनके घर आएगी फिर आधे घंटे के अंदर, माचिस लेंगी बोलेगी एविडेंस मिल गया, बैठो अंदर 2-3 साल, सोचना क्यों बोला। ये पुलिसिंग होती है, कॉन्स्पिरेसी हो गई आप बैठे रहे, राइट हो गए आप बैठे रहे, और उसके बाद आपने जो भी लोग थे उनको एक पूरा मतलब पूरा ये कास्ट क्लास माइनॉरिटी सॉलिडारिटी का एक पूरा बुके बनाकर आपने इन लोगों को, और इतना कोशिश किया, यहाँ पे इतने मीडिया के माइक रखे हैं, उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया थे शायद, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने सबके नाम नहीं पढ़े पर हाँ दिख तो नहीं रहे, सबसे जहरीले वाले तो शायद नहीं आया। आई थिंक वो सब बैठे अभी लश्कर नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी को आई थिंक वही बुलाना सही होगा। और आई थिंक जो एक बात है कम्युनिकेशन की ना, हमें उस पर अभी एक एक्टिव स्टेप लेके, जो भी जहां पे आपको मिस इन्फॉर्मेशन दिखे किसी माइनॉरिटी, प्लीज़ उसे करेक्ट करना चालू कीजिए। जो लोगों ने आज बातें बोली है वो कुछ आज से नहीं हो रही है, वो शायद मैं जब 10 साल का था तभी से हो रही थी। एक फिल्म थी आनंद पटवर्धन ने बनाई थी, जिसमें घोटसे के भाई का इंटरव्यू था, वो पूरी फिल्म हमारी फैमिली ने कभी नहीं दिखाई, क्योंकि वो फिल्म में कॉन्टेक्स्ट था, और घोटसे को ऑफकोर्स भारत का पहला टेररिस्ट बुलाया गया था, पर वो इंटरव्यू हमें दिखाया गया बचपन में कि इससे इंस्पायर होना है। तो आप जो इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं वो सब जगह हो रही है, और मेजॉरिटी में जब होती है तब लोग भुगतते हैं ऐसे। तो एज एन एक्टिव सिटीजन हमारा भी काम है कि जहां हम बोल सके, जहां हम लोगों को करेक्ट कर सके, वहां पे एक्टिवली हम करेक्ट करें, एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल दीस मूवमेंट। थैंक यू। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें सुने पर हैं और हर महीना ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।